दोस्तों आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 29 जून को कैंसिंगटन ओवल बारबाडोस में खेला जाएगा। तो आइए इस महा मुकाबले से पहले ये जान लीजिए कि अगर ये मैच बारिश के कारण रद्द हो जाता है तो इस बार T20 वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन होगी, इंडिया या साउथ अफ्रीका। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर 29 तारीख यानी कि शनिवार को इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला बारिश के कारण धुल जाता है, पूरा नहीं हो पाता है, तो ऐसे में ये मुकाबला रिजर्व डे में खेला जाएगा। जी हां, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए आईसीसी ने रिजर्व डे रखा है जो कि 30 तारीख यानी कि रविवार का दिन है। एक्यू वेदर की रिपोर्ट की माने तो 29 जून को बारबाडोस में 78% बारिश होने की संभावना है। वेदर रिपोर्ट के अनुसार ये भी माना जा रहा है कि अगर बारिश के कारण टॉस प्रभावित नहीं होता है और टॉस हो जाता है, ऐसे में बीच मैच में ये संभावना है कि बारिश होगी। इतना ही नहीं, रिजर्व डे के दिन भी बारिश होने की संभावना है। अगर रिजर्व डे के दिन भी बारिश हो गया तो हम आपको बता दें कि इस स्थिति में ऐसा होने पर T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी दोनों ही टीमों को संयुक्त रूप से दे दी जाएगी, यानी कि टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमें T20 वर्ल्ड कप 2024 की संयुक्त तौर पर विजेता होगी। गौरतलब है कि ये दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है।